24 सितंबर को होने वाली सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बैठक में भारत और पाकिस्तान एक साथ हिस्सा लेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने इस बात की जानकारी दी है। इस बैठक में सार्क सदस्य देशों के बीच एक सकारात्मक समझ विकसित करने और साल 2016 से बंद हुई बातचीत को एक बार फिर से बहाल करने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि साल 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस्लामाबाद में प्रभावित सार्क के 19वें सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था। तभी से सार्क के किसी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया है। अप्रैल 2020 में कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के साथ इस पर चर्चा की थी, लेकिन इस चर्चा में पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ क्योंकि ये कार्यक्रम भारत द्वारा होस्ट किया गया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि इस चर्चा को एक देश के द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ एक देश का मतलब भारत से है। दरअसल सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। सार्क की स्थापना के समय इस संगठन में क्षेत्र के 7 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल हुए थे। हालांकि साल 2007 में अफगानिस्तान भी इस संगठन में शामिल हो गया था।